हेलो गाइस, राधे राधे। जैसी कृष्णा, कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, और नहीं अच्छे होंगे तो मेरा ब्लॉग देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है चेतना यादव और मैं गांव में रहती हूँ। सब लोग मेरा गांव ज़्यादा पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, मेरा ज़िला पड़ता है फरुखाबाद और मेरा गाँव है रोहिला मोहम्मदाबाद के पास। तो आप लोग बार बार मत पूछना कि आपका गाँव कौन करी है। अभी सुबह से और मैं नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। तो अभी आपको पहले मौसम दिखा देते हैं, आज का मौसम कितना ज़्यादा औसम हो रखा है सुबह सुबह ही। गाइस, सुबह का सीन है कुछ ऐसा होने लगी है, बहुत तेज़ की बारिश हो रही है सुबह सुबह ही। देख लो, आप लोग भी आनंद लीजिए सुबह सुबह ऐसे मौसम का। तो गाइस, आपको आज चलिए आज आपको मिलाते हैं। हमारे घर में एक नए मेहमान आए हैं, एक नहीं दो दो नए मेहमान आए हैं। चलिए आपको उनसे मिलाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो सुबह सुबह आपको उनके दर्शन कराते हैं, ताकि आपकी सुबह सुबह आप दर्शन करो। अनिरुद्धाचार्य जी नहीं बताते हैं वो कि अगर आप गाय के दर्शन करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर है ना, वो एकदम बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आइए, आप ये वाली गाय जो है ये बूढ़ी हो गई, तो बहुत से लोग कहते हैं इसको हटा दो, ये चार पांच गाय से दूध नहीं देती है। तो लोग बोलते हैं इसको हटा दो, पर ये बूढ़ी हो गई, जब मेरे बाबा थे तब की ये गाय है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं हटाएंगे, नहीं इसको बने रखेंगे। अब ये जब भी कभी भी मरेगी आप, तो ये दूध नहीं देती है, इसलिए मेरा। इंसानों को भी नए माहौल में ढलने में टाइम लगता है, तो उसको भी टाइम लगेगा। तो वो अभी हम लोगों को पहचान नहीं रही है। तो आप लोग भी सुबह सुबह गैया मैया के दर्शन कर लो भाई। हेलो, मुझे भाई डर भी लग रहा है, क्योंकि तो मैं पास जाती इसके हाथ हाथ सहलाती आके, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं ये मुझे पटक ना दे। देखो कैसे देख रही है भाई। तो अब देखो ये रहती है कि नहीं रहती है, ये तो बाद में ही पता लगेगा कि हम लोग दो के साथ ये मैनेज कर पाई कि नहीं कर पाई। सुबह तो मम्मी ने दूध निकाला तो उसने लात मार दी, तो मम्मी कह रही कि नहीं हम नहीं रखेंगे। हम कह रहे हैं कि रख लो, कि दो चार दिन उसको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, नया माहौल है, नए लोग हैं। तो इसलिए आपको इसका बच्चा, और ये इतनी वैसी है कि अपने बच्चे के पास देखो, देखो उसको दिखा, देखो कैसे कर रही। देखो उसके बच्चे के पास जाओगे तो पास तो ये बिल्कुल जाने ही नहीं देती है किसी को भी। और उसका बच्चा इतना क्यूट है, आप कि जाने के बिना मन नहीं मानता। देखो कितना प्यारा है ये, इसका नाम रख देते हैं, ठीक है? तो ठीक है गाइस, ओ ये बेबी गर्ल है। देखो गाइस कितना प्यारा है, मेरा गोलू गोलू। इसका नाम क्या रखे बताओ, आप लोग कमेंट में नाम बता रहे हैं, इसका नाम क्या रखे? गन्नू रख दे वाला नाम, गन्नू। ये बछिया है, बछिया बिटिया है, प्यारी सी बिटिया है, नन्ना सा बाबू है, कितनी प्यारी है ये। बोल रही चलो बेटा, ये इधर इसके साथ खेल रही है उधर। यार हम तो प्यार कर रहे हैं तुमको। क्या इसका नाम? आप अच्छा, दो नाम है इसके, एक गन्नू मैंने सोचा और एक लक्ष्मी सोचा। अब आप दो नाम में से बताओ इसका नाम कौन सा रखे, इन पे लक्ष्मी सूट करेगा कि गन्नू सूट करेगा, कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है बोलो। आप लोग कमेंट करना प्लीज, बताओ ना मेरा प्यारा सा बच्चा। तो देख लो दो नए मेहमान आए घर पे, छोटा है ये, छोटा है 10-15 दिन का। पुच्ची कर दो, पुच्ची कर दो, पुच्ची का उधर 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 उसको दिखा रहा। देखो कैसे रस्सी तोड़ रही है। चेतना अगर टूट गई ना तो तुम गई। अरे भाई तुम्हारी मम्मी बहुत ज्यादा शैतान है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बहुत केयर करती है। हटो हटो तुम, क्यों मेरा बच्चो हटो, उसको पकड़ के। देखो देखो देखो, देख रहे हो आप? कुछ भी करने नहीं देते, हम लोगों को भी पास नहीं जाने दे रही। अब देखो अगर रहेगी तो आपको ब्लॉग में दिखाएंगे, नहीं रहेगी तो आपको बता देंगे। पर मुझे इसका बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं कहती हूँ इसको बने रखो, कम से कम उसको खिलाएंगे। छोटी सी है अभी, देखिए ये गौरी है, ये भी पहले छोटी थी, बहुत प्यारी थी, कितनी क्यूट है, तो इस तरह खिलाती थी इसको। अब तो ये बड़ी हो गई, अब जैसे ये गाय बच्ची। भाई आज मैं बनाने जा रही हूँ ऐसी सब्जी जो ना तो आपने कभी खाई होगी और ना ही उसका कभी नाम सुना होगा। अगर नाम सुना तो आप लोग कमेंट में बताना, और खाई है तो भी कमेंट में बताना। वैसे मैं तो पहली बार ही खाऊंगी ये सब्जी, तो मैंने सोचा आप लोगों ने भी क्या करना खाई हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ब्लॉग बना लूँ। और आजकल ये सब्जी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, हर जगह जहाँ देखो वहाँ ककोड़ा ककोड़ा। अब ना आपने नाम सुना ये ककोड़ा, मैंने तो पहली बार ही नाम सुना था, फिर मैंने सर्च किया, फिर मैंने मंगाई, मैंने कहा ला भाई आप लोगों को भी बना के खिलाते ककोड़ा। उसका दूसरा नाम भी बताना, हमारी मम्मी बोलती है उसको बंद करेला ही बोलते हैं। अब आप लोग बताना आप क्या इसको क्या बोलते हैं, खाओ यार। तो अब हम जा रहे हैं ये वाली सब्जी बनाने के लिए, इसको बोलते हैं ककोड़ा। किसने इसका नाम जोश के रख दिया होगा ककोड़ा है? ये कौन नाम है बताओ, कौन कैमरामैन खाएगा ककोड़ा बताओ ना भाई। मैं ना करेले खाती हूँ ना मैं ये ककोड़ा कंटोला और ये बन करेला खाऊं। मैं तो ऐसी हर एक चीज खा लेती हूँ, तो क्या पता मुझे ये भी पसंद आ जाए। तो मैं कड़वी चीजें वैसे भी पसंद है नहीं, तो क्या पता मुझे भी पसंद आ जाए तो मैं खा भी सकती हूँ। पर आपको सही से बताऊंगी कैसी सब्जी होगी। तो भाई जब बनाने चलते हैं ककोड़ा, देखते हैं कौन कौन खाएगा। वैसे भी मेरे घर पे मैं खाती हूँ, मम्मी खाती हूँ, कोई कुछ खाता ही नहीं। तो पहले इनको मैं धुल लेती हूँ, उधर देखिए साफ पानी में इन्हें खूब धुल लेते हैं। तो
गाइस ये ककोरा सब्जी एकदम से अभी ट्रेंडिंग में आ गई। इससे पहले तो मैंने कभी इसका नाम ही नहीं सुना था कि मतलब ककोरा कौन सी सब्जी होती है। फिर इतना ज्यादा ध्यान यूट्यूब पे देखो, संजना बना रही है, शिवानी ककोरा बना रही है, सारे कोई ककोरा ही बना रहा है, फिर मैंने भी कहा कि ककोरा ले आके। तो ये काफी ट्रेंडिंग में चल रही है ये सब्जी आजकल, और सबसे ज्यादा ताकतवर भी है। मैंने इसके फिर वो देखे थे कि क्या गुण है आखिरकार ककोरा में जो इतना लोग ट्रेंडिंग में करे हैं ये सब्जी। तो ये सबसे ज्यादा ताकतवर सब्जी है और ये जंगल में पाई जाती है जो की जंगली सब्जी है ये। तो गाइस देख लीजिए, अभी मैं इनको काट लूँ सही से, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इतने सारे मैंने काट लिए और ये देखो ये बीज है इनके अंदर, ये ककोड़ा सब्जी दो इसके बीज है, ये जो रेड वाले ये पके हुए हैं। तो ये वाले जब निकाल लूंगी मैं इससे और उसमें लगाऊंगी जाके उस वाले प्लाट में और लगा दूंगी। और ये सब्जी बहुत ज्यादा महंगी भी है और फिर सबको मोहल्ले में सबको बांट दूंगी कि हाँ सब लोग हम खाएं ककोड़ा, तुम भी खाओ ककोड़ा, और जो कोई मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा उसको भी ककोड़ा खिलाऊंगी। तो भाई जल्दी जल्दी मैं ये काट लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, दिखाती हूँ। जिसको भी नहीं आती बनानी भाई मेरा ब्लॉग देख लेना आप लोग, मैं बताऊंगी आपको, मैं सिखाऊंगी कि ककोड़ा सब्जी आखिरकार कैसे बनाई जाती है। तो मेरा ब्लॉग देखने का ये तो फायदा ही, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर कमेंट कर देना, और ककोड़ा खाते रहना और स्वस्थ रहिए। मोटे लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि उससे मोटापा कम होता है और भरपूर ताकत मिलती है। तो ठीक है काट लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं भाई। ये देखो इसके काफी फायदे हैं, बहुत ज्यादा इतनी क्वालिटी वाली सब्जी है ना कि ये तो मैंने अपने जीजा जी को भी बताई थी कि जीजा जी आप ककोड़ा खाओ। अब जीजा जी पूछ रहे हैं ये ककोड़ा क्या होता है किसी को पता ही नहीं कि मतलब ये ककोड़ा क्या होता है। फिर मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने सर्च किया, तब उस पर निकल रहा कंटोला। मैंने कहा पता नहीं क्या ये कंटोला क्या नाम है इसका, मतलब इसके तो बहुत सारे नाम है, आप लोग कमेंट में बताना और क्या क्या नाम है इसके। मैंने तो ककोड़ा कंटोला बनकरेला ये तीन ही नाम सुने हैं, आप लोग और बताओ दूसरे नाम कि और क्या क्या नाम है इसके। अभी बना नहीं पाए इनको, पता नहीं कहाँ से कभी खाई है सब्जी बताओ, देखी है कभी? सबसे शक्तिशाली सब्जी है, जाना अपने ससुराल यही बना के खिला कि हमने किससे सीखी है। नाम भूलिए, क्या नाम है? कंटोला काम पे रंगोली को भी खिलाते हैं जल्दी जल्दी। करेला का छोटा भाई है ककोरा, बताओ आप लोग कमेंट में सही बोल रही गलत बोल रही? बहन की भाई है, हम तो बोल रही है। तो गाइस ठीक है, तो सब लोग कह रहे हैं, रंगोली भी कह रहे हैं हमने नहीं खाया, जीजा जी को भी बताया वो भी बोल रहे हैं हमने तो नाम भी सुना पहली बार, सबने नाम भी सुना है पहली बार। तो पहली बार मैं ही बना के खिला रही हूँ, अब आपको बनाऊंगी तब दिखाऊंगी, तब तक पूरी तैयारी। लोग गाय का मुआयना करने जा रहे हैं रंगोली बता रही है, हमें दिखाओ गाय, देखो हम बताएंगे कैसी है। अब इतनी छोटे से आ रही है हमारे घर पे, ये नहीं जानती कि हमारी गाय है पहले से इसकी बड़ी बड़ी, ये बूढ़ी गाय है, ये नई नई, लेकिन सबको ये लगता है कि ये नई है, देखो लेकिन उसकी बनावट है ऐसी। कैसी लगी बताओ तुमको? अच्छी है, उसकी बछिया देखो चल के उधर। मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि बारिश हुई थी तो मेरे कपड़े भीग गए, इसलिए मैंने चेंज किया। गाइस हमारे ककोड़ा की सब्जी बनके हो गई है रेडी, आप लोग भी खा लीजिए, जिसने भी नहीं खाई वो कमेंट में बताइए, और रंगोली को हम खिलाए खाइए वाली। हाँ पहले बंद कर लो, बंद कर लो, पहले बंद कर लो फिर खाए, पहले खाओ, पहले बंद करो फिर देखें What?
फीलिंग तो ले, फीलिंग तो ले। अच्छे हैं वैसे, अच्छे बने। कैंटीन चल रही सब्जी जहाँ देखो वहाँ उसका कोरा कोरा हमने खाए, इतने कड़वे हैं। आप लोग खा लीजिए भाई, कड़वा कड़वा भाई, तो ही मुझे कड़वी चीज अच्छी लगती है, पर ये कुछ ज्यादा ही कड़वे हैं। अजीब तरह अब करेला हमारे फेवरेट है, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप तो इतने अच्छे लगे तो खाओ ना। आदमी दमका लगा के वायर गया, देखो तो नहीं रुको, सी तो मेरे में किधर भाई ठीक लगते हैं ककोरा भाई। अब वो बोलते हैं ना सबसे ज्यादा फायदेमंद, सबसे ज्यादा ताकतवर सब्जी है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब प्रोटीन सब विटामिन हर एक चीज है इसमें, जो अच्छी लगती है मिले सब अच्छा खा लेंगे, ये पूरे खा लो पूरे लेंगे जितनी बनाई है सब्जी, लेकिन हां मतलब हमें उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे। तो बोलते हैं ना कि लोग की इसमें भाई सब चीज है सब कुछ भरपूर मात्रा में, तो ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो भाई वो बोलते हैं ना कि सच भी कड़वा होता है, वैसे ही जो अच्छी चीजें होती है सेहत के लिए वो भी कड़वी होती है। तो आप लोग खाओ भाई, और अंगोली को भी चाय नाश्ता खिला दे, अभी इनको सीधे सीधे कड़वी चीज खिला दी हमें। ये ऐसे बच्चे हैं जो हमारे ज्यादा टेंटरम नहीं किसी भी चीज में, जहाँ जैसा रिश्ता मिल जाए हो जाएंगे, जैसा खाना मिल जाए वैसा खा लेंगे, जो अगर कोई चीज ना मिले तो कोई बात नहीं, जैसे कपड़े मिल जाए वैसे पढ़ लेंगे। और हमारे घर में जो चार लोग हैं, जो भी मिल जाए उससे लड़ भी लेंगे, तो वही चार लोग हैं जो वो तो सब सुन के इतने डर रहे हैं, खाने में भी कोई जीरा नहीं खाएगा, कोई धनिया नहीं खाएगा, कोई ऐसा कुछ नहीं, दीदी भी सब खा लेती हैं, कोई ऐसे बिस्तर नहीं लेटेगा, कोई ये नहीं पहने, कोई कोटा करने बराबर है, हमारे भाई कोई नखरे नहीं, बस हमारे नखरे तो एक चीज है कि हमें भाई ये कि हमें हमें भाई हसबैंड मिलना चाहिए, लंबा मिलना चाहिए, हमें हसबैंड हाथी मिलना चाहिए, हाथी पहले सीधे लाता था मेरे बचपन का क्रश, हां था हसबैंड में हाथी, हाथी मिलना चाहिए, हाथी लगा ये कि भाई बस केवल हसबैंड को बोल दे कि लड़का इतना अच्छा कर रहे कि पूरे गांव में इतना दबा, रंगोली क्या कह रही, रंगोली कह रही हाथी बोलो, हाथी ना बोलो, बोल रहे कि पूरे गांव में ऐसा दामाद ना हो, इतनी बात भले जेठालाल मिले पर हमें कहना है, अरे कहीं तब जी, अरे जी चेतना वाली जा रहे देखो, अब क्या कर रहे आजकल मोदी, हातिम में मार्ट सोचने तो जेठालाल है ना, सरकारी नौकरी वाला तो ऐसे ही मिलेगा, जेठालाल की तरह चाहिए सरकारी नौकरी, चाहे कैसा जेठालाल हो चले, क्या करें सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा जरूरत है, पैसा जरूरी है आजकल के जीवन, जेठालाल का देखो अगर पैसा हो तो आदमी एल्विस जैसा हो, सरकारी नौकरी हो तो जेठालाल भी चले, क्या करें फिर वो जिंदगी तो काट ही जाएगी। वैसे तो हमें कैसे रिश्ते आते हैं भाई, पूरा इंस्टाग्राम तो मेरे रिश्तों से ही भरा पड़ा है, कर ले पैसे तो लोग इतना बोलते हैं, इतनी बातें करते हो, कह दो कि कैमरा में बोलो तो हम भाई बोलना ही नहीं है, पता नहीं तब इनके मुंह से बिल्कुल कुछ निकले, कुछ बोलो चाय पी लो आप लोग, तभी रंगोली कह रही थी आज हमारा मन था चाय पीने का, तो तभी हम तुम्हारे घर पे चले आए, अपने घर पे तो चाय नहीं मिलती थी, चाय नहीं ले चाय आई भाई इनके लिए, सबसे पहले खाने में हम बहुत आगे रहते हैं, मुंह और बना लिए चाय कैसी है, अच्छी चाय के लिए बनाया दी चाय में, आज और नई गाय आई उसी के दूध की चाय बनी है, लोग आए बिस्किट खा लो बिस्किट तुम खाती हो, नहीं नहीं खाती, मत खा रहा इसमें बिस है वो कूट कूट के भरा है, इसीलिए इसका नाम है बिस्कुट। और भाई आजकल अनिरुद्धाचार्य को बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये भी उनकी ट्रोलर बैठी है, लेकिन कहती तुम बहुत सपोर्टर हो, हाँ हम जारी रह कर रहे हैं ट्रोल, क्योंकि चेतना उनकी फैन है, इसलिए हम फैन नहीं, हम केवल उनकी अच्छी बात है, बहुत बड़ी चेला है, बहुत बड़ी वाली चेला चेला नहीं चेली है, उनकी अच्छी बात है सारी ग्रेड करते हैं, और जो बातें हैं वो हम उनकी रील्स बना रही है, इनके एकदम से कौन से भी अच्छे वाले गुरु थे उनसे कुछ सीख रही थी, एकदम से वैदिक पुराण में जा रही थी, अब वेदिक आई है कि वे कपिल शर्मा को सो पीछे है उनके, और क्या, लेकिन तो ये है कि मतलब बातें तो अच्छी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अब लोग इतने ट्रोल कर रहे हैं, खुद भी तो कुछ करे, उनसे कोई भी गुरु जी से क्वेश्चन पूछे तो हर क्वेश्चन उनके पास जवाब होंगे, तो नहीं सही जवाब देंगे, जो कोई वहां चेक नहीं करा, कितने पति हैं, नहीं समझ लो उनसे क्वेश्चन तभी
पूजो तो गुरु जी से, अगर बस तो जिंदगी तहस नहस तहस नहस खुद ही है वे। इतना टोल मत करो, अच्छी अच्छे काम कर रहे हैं वृद्धाश्रम, जो कोई अपनी माँ को छोड़ देता है बातचीत मान रहे हैं, लेकिन थोड़ी कायदा जिया जवाब दो कर रहे हैं अपने गुरु जी से का। जी उनके गुरु जी पे इतनी फिदा है, हाय हम नींद के बारे में से मिल नहीं पाए, सपने में आ रहे हैं। तो गाइस ठीक है, ये बकवास तो चलती रहेगी, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब कर लो, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। बाय बाय।